बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री कियारा अडवाणी आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और इंटीमेट सीन्स की वजह से दर्शकों के बीच में काफी सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही ये अपने वल्गर फोटोशूट्स और गंदी हरकतों की वजह से हमेशा मीडिया में काफी ट्रॉल होती रहती हैं। साथ ही ये आए दिन इनकी कई ऐसे वीडियोज वायरल होती हैं जिसमें इनके हॉट एंड बोल्ड फोटोशूट को लेकर लोग इन्हें खरी खोटी सुनाना नहीं छोड़ते। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कियारा आडवाणी के एक वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सोशल मीडिया पर आते ही बवाल सा मच गया है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जिन्होंने हाल ही में बुर्ज खलीफा गाने से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी, इस गाने में कियारा के हॉट लुक और बोल्ड अदाओं को देखकर दर्शक भी मनमोहित हो उठे थे। साथ ही अब इनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें ये अपने फोटोशूट को लेकर बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई दिखाई दे रही हैं। हम आपको बता दें कि इस फोटोशूट के अंदर कियारा ने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा है जो काफी डीप नेक है, जिसमें कियारा के क्लीवेज काफी ज्यादा शो हो रहे थे और इसी को देखते हुए लोगों ने कियारा को काफी ट्रॉल भी किया है कि वो क्यों ऐसे रिवीलिंग और हद से ज्यादा ओपन ड्रेस पहना करती हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इससे पहले ही कियारा ने एक ऐसा बोल्ड फोटोशूट करवाया था जिसमें वो सेमी न्यूड हो रखी थी और इन्होंने सिर्फ अपने आप को एक लीफ से कवर किया हुआ था जो कि दिखने में बेहद वल्गर लग रहा था। और इस पिक्चर के सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही लोगों ने कियारा के खिलाफ बहुत ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था, जैसे कि इन्हें भारतीय संस्कृति का कुछ पता ही नहीं है, ये बेशर्म और बेहया भी हैं। लेकिन कियारा भी बेहद बोल्ड अभिनेत्री हैं, इन्होंने भी ट्रॉलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहा कि वो बिना कपड़ों के फोटोशूट करवाए या सेमी न्यूड फोटोशूट करवाए, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये इनकी पर्सनल लाइफस्टाइल है और वो जैसा चाहे अपने आप को रख सकती हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि फिल्मों में बोल्ड और हॉट सीन करना इनके स्क्रिप्ट और रोल की डिमांड होती है, जिसके लिए ये कितने भी गंदे और वल्गर सीन्स देने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये एक तरह से इनके प्रोफेशन और काम का ही हिस्सा है जिसके लिए ये हमेशा ही तैयार रहती हैं। साथ ही मीडिया में अफरा तफरी तब मच गई जब इन्होंने कियारा को लव स्टोरी में एक गृहिणी के रूप में देखा जो अपने पति से संतुष्ट ना होने के कारण एक सेटिस्फैक्शन टॉय का इस्तेमाल करती हैं, जिसे देखकर दर्शक हक्के बक्के रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब कियारा फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर के साथ हद से ज्यादा बोल्ड और किसिंग सीन दे रही थी, तब भी लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा ट्रॉल किया था। और इसी के साथ कियारा जब फिल्म कबीर सिंह की प्रमोशन के लिए एक इवेंट में जा रही थी तब इन्होंने ब्लू शर्ट पहन रखा था जिसके नीचे इन्होंने कोई पजामी या जीन्स कैरी नहीं की थी, जिसकी वजह से इन्हें भरी महफिल में लोगों के सामने वार्डरोब मालफंक्शन का शिकार भी होना पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ जब इन्हें एक और बार फिल्म कबीर सिंह के एक इवेंट पे जाना था तो इनकी ड्रेस ऐसी लग रही थी जैसे इन्होंने अपने घर का ही पोछा पहन लिया हो, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इनका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया था। पर फिलहाल इनकी फिल्म इंदु की जवानी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे देखकर दर्शक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और वो जल्द से जल्द इस फिल्म की रिलीजिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही कियारा अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 में बिजलियां गिराती हुई नजर आने वाली हैं, जिसमें इनके साथ कार्तिक आर्यन भी नजर आएंगे। तो वहीं इनकी दूसरी फिल्म वरुण धवन के साथ है जिसका नाम जुग जुग जियो है, जिसका पोस्टर फिलहाल आउट हो चुका है, जिसमें कियारा आडवाणी और वरुण धवन की केमिस्ट्री देखने लायक है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं कियारा आडवाणी को वरुण धवन के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए देखने के लिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और भी धमाकेदार खबरों को देखने का और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।